ओम शांति। बाप दादा मधुबन, आज की मधुर मुरली। 23/12/2023। मीठे बच्चे, अपना सरनेम सदा याद रखो। तुम हो गॉडली चिल्ड्रेन, तुम्हारा यीशुरी कुल है। तुम देवताओं से भी ऊँच हो, तुम्हारे मैनस बड़े रायल चाहिए। प्रश्न: बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर: तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो, इसलिए तो तुम्हारे यादगार चित्रों को सभी प्यार करते हैं, प्यार से देखते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक हैं। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत बहुत मीठा बना रहे हैं। तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। गीत: तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये किसकी महिमा में गाते हैं कि तू प्यार का सागर है? ये किसी मनुष्य की महिमा नहीं। कहा जाता है कि तू प्यार शांति व पवित्रता का सागर है। अभी तुम पवित्र बनते हो। ऐसे बहुत हैं जो शादी नहीं करते, बहुत हैं जो बिगड़ संन्यास लिए भी पवित्र रहते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: गृहस्थ व्यवहार में जनक मिशाल ज्ञान उसकी हिस्ट्री है। कहा हमको कोई ब्रह्म ज्ञान सुना, वास्तव में कहना चाहिए ब्रह्मा ज्ञान। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर ज्ञान देते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। दूसरी पॉइंट: गीता से सतयुग स्थापन होता है। गीता का ज्ञान दिया ज्ञान सागर परमात्मा ने। यह सब ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से निकलती हैं। पानी के गंगा से थोड़ी ही ज्ञान मिलता है जो पावन बनेंगे। तीसरी पॉइंट: जितना लक्ष्मी नारायण का रमणीक हर्षित मुख चित्र देखेंगे, उतना राम सीता का नहीं। लक्ष्मी नारायण को देखने में ही खुशी आ जाती है। चौथी पॉइंट: श्री बाबा को तन मन धन बलि देते हो, इसने भी अर्पण किया ना, तन भी सच्ची सेवा में दिया। माताओं के आगे अर्पण कर उन्हें ट्रस्टी बना दिया, माताओं को आगे बढ़ाया है। पांचवी पॉइंट: ज्ञान की बूटी है मन मना भाव की। देह अभिमान में आने से माया का थप्पड़ लगता है, देही अभिमानी बनने से थप्पड़ नहीं लगेगा। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। छठवी पॉइंट: देखो डॉक्टर निर्मला आती है, उनका स्वभाव बहुत मीठा है। शांत चित, थोड़ा बोलना उनसे सीखना चाहिए, बड़ी सयानी और मीठी बच्ची है। सातवीं पॉइंट: शांत हो बैठ जाएगा तो फिर कर्म कैसे करेगा, योग से विकर्म विनाश होंगे। सच्ची सुख शांति तो यहाँ हो ना सके, यहाँ हर चीज अल्पकाल की है। आठवीं पॉइंट: सतयुग में एक ही धर्म एक ही राज अतैध धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। जो ताली बजे था ही राम राज, तब ही विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सतयुग में थी। नवी पॉइंट: यह तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला ना सके, यह भी लिखना है शिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। दसवीं पॉइंट: वहाँ आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आपे ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। यह सभी समझाने की बातें हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्यार पहली पॉइंट: अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित बनाना है, बहुत कम और रियलिटी से बात करनी है। दूसरी पॉइंट: तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान आज बाबा ने दिया, ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है वह हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते हैं। अगर समय पर पास ना होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद आनंद।
धर्मराज भी उनको आनर देता है। लोगन बाबा ने आज दिया, योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। ओम शांति।